स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। दोस्तों आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 18 पढ़ेंगे जिसका नाम है बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन, यानी ह्यूमन बीइंग्स में कौन कौन से बॉडी फ्लूड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में, और ये फ्लूड्स पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करते हैं, कैसे एक सब्सटेंस को दूसरी जगह पर ले जाते हैं, ये सभी हमें पढ़ना है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेज। आप पढ़ चुके हैं कि जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उनको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और जो दो जो एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं वो इनको लगातार प्रोवाइड कराने होते हैं जिससे ये अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस सुचारू रूप से कर सकें, लगातार कर सकें। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव कंटिन्यूसली फॉर हेल्दिंग फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज, और जो वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस सेल्स प्रोड्यूस करती हैं उनको भी लगातार बॉडी से रिमूव करना होता है जिससे टिश्यूज अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें या फिर अपना फंक्शन हेल्दी तरीके से कर सकें। इट इज़ देयर फॉर इजेंशियल टू हैव एफिशियंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंसेज टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल। तो इसके लिए एक ऐसा एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे ये सब्सटेंस सेल के पास भी पहुंच जाए और सेल से वो जो हार्मफुल प्रोड्यूस हुए हैं, वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस हुआ है उसको सेल से वापस भी लाया जा सके। ऐसा कोई मैकेनिज्म, एफिशिएंट मैकेनिज्म ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स ने अलग अलग मेथड्स इवॉल्व किए हैं इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए, यानी सेल के पास सब्सटेंस पहुंचाने के लिए और सेल से वेस्ट प्रोडक्ट लाने के लिए। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पंजेस एंड कॉन्सेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेज। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस और कॉन्सेंट्रेट्स ये क्या करते हैं, जो इनके आसपास वाटर होता है उसको अपनी बॉडी कैविटीज से सर्कुलेट करते हैं अपनी बॉडी में, जिससे सेल्स क्या कर सकें, इन सब्सटेंस को एक्सचेंज कर सके। यानी स्पॉन्जेस और कॉन्सेंट्रेट्स क्या करेंगे, जो इनके आसपास जो पानी होगा उसको अपनी बॉडी कैविटीज से सर्कुलेट करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करेंगे और सर्कुलेट करेंगे, जिससे सेल्स क्या कर सके, जो ये सब्सटेंसेज हैं एसेंशियल सब्सटेंस इनको एक्सचेंज कर सके। तो वो सराउंडिंग जो वाटर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी कैविटीज के द्वारा। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूड विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटीरियल। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है स्पेशल फ्लूड्स का इस्तेमाल करते हैं इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए, यानी अपने जो बॉडी होती है उसमें सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल फ्लूड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर दिस पर्पज। ब्लड सबसे कॉमनली यूज बॉडी फ्लूड है जिसका इस्तेमाल जो है सब्सटेंस को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है या मूव कराने के लिए किया जाता है हायर ऑर्गेनिज्म में, और इनमें ह्यूमन्स भी आते हैं। अनादर बॉडी फ्लूड लिम्फ ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज। एक और बॉडी फ्लूड पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में, उसका नाम है लिम्फ, और जो ये लिम्फ होता है ये भी कुछ सब्सटेंस को मूवमेंट कराने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। पहला जो मेन ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल है सब्सटेंस है वो है फ्लूड है, वो है ब्लड। दूसरा लिम्फ, ये भी कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेगा सर्टेन सब्सटेंस को। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। इस चैप्टर में हम जो है ब्लड और लिम्फ की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन हेयर इन, और जो ब्लड सर्कुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी एक्सप्लेन किया गया है। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूड के नाम से भी जानते हैं, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लड, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज है जो अलग अलग टिश्यूज को, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, और इसमें कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा क्या है, एक स्ट्रॉ कलर्ड का फ्लूड है, विस्कस फ्लूड है, जो लगभग ब्लड का 55% फॉर्म करता है। यानी ब्लड ब्लड में जो 55% फ्लूड होता है वो होता है प्लाज्मा, ये एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूड है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन्स कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। 90 से 92% यानी 90 से 92% प्लाज्मा वाटर से मिलकर बना होता है और इसमें प्रोटीन 6 से 8% प्रेजेंट होता है। इसमें दो बातें हैं, जो प्लाज्मा है वो ब्लड में लगभग 55% होता है। दूसरा जो अब प्लाज्मा के अंदर, पहले ब्लड की बात कर रहे थे हम, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है और 6 से 8% प्रोटीन होता है।
ये प्रोटीन कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन्स ये मेजर प्रोटीन से तीन इंपॉर्टेंट हैं। इनके नाम और इनके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में पूछे गए हैं। अब ये प्रोटीन के फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। जो फाइब्रिनोजेंस होते हैं वो ब्लड के कोआगुलेशन या फिर क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी चोट लग जाती है तो उसके बाद खून निकलता है, खून निकलने के बाद कुछ समय के बाद वो रुक जाता है, ब्लड ब्लड जो है रुक जाता है और उसके स्थान पर एक सब्सटेंस आ जाता है ब्राउन कलर का, तो वो होती है क्लॉटिंग, उसको हम क्लॉटिंग कहते हैं। और जो ये ब्लड का रुकना या फिर वो क्लॉटिंग होती है, जो एक डार्क सब्सटेंस बन जाता है, वो बनता है फाइब्रिनोजेंस की मदद से। ग्लोबुलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड द एल्बुमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। जो ग्लोबुलिन्स होते हैं वो जो है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, और जो एल्बुमिन्स प्रोटीन होते हैं वो ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। फाइब्रिनोजेंस का काम क्या हुआ? क्लोटिंग या कोआगुलेशन करना। ग्लोबुलिन्स का फंक्शन डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक Na पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, HCO3 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव एटसेट्रा। जो प्लाज्मा होते हैं उसमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स भी पाए जाएंगे जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट और क्लोरीन। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड एटसेट्रा आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और जो लिपिड्स होते हैं वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड या फिर लिपिड हैं ये बॉडी में लगातार मूव करते रहते हैं, क्योंकि इन की आवश्यकता हर एक सेल को होती है बॉडी के अंदर। फैक्टर्स फॉर कोआगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। जो फैक्टर्स ब्लड की क्लोटिंग या ब्लड को कोआगुलेट करने में हेल्प करते हैं वो भी प्लाज्मा के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। जो प्लाज्मा, अब ये सीरम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इस पहले हमने पढ़ा कि कुछ कोआगुलेशन या कुछ जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जब उनकी ज़रूरत होती है वो एक्टिव हो जाते हैं। अब इसमें आई है सीरम की डेफिनेशन। जो प्लाज्मा जिसमें जिस प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स अब्सेंट होगा उस प्लाज्मा को हम कहेंगे सीरम। यानी प्लाज्मा में पूरे के पूरे में प्लाज्मा में जो है कोआगुलेशन या क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं प्रेजेंट होंगे। जिस प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स अब्सेंट होंगे, यानी जो प्लाज्मा बिना क्लोटिंग फैक्टर्स के होगा उसको हम सीरम कहेंगे। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट के लिए।